ये है दिल्ली दर्पण। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ शहर के मेन बाजार में देर शाम अचानक आग लग गई। जहां आग लगी वहां दो मंजिला दर्जनों दुकानें हैं जिनमें हर तरह का सामान था। आग लगने के बाद दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई। ये आग लगभग 3:30 बजे लगी। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं आग लगने की सूचना पाकर दमकल विभाग की दर्जन भर गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। घंटों की मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक आग ने आसपास की लगभग दर्जन भर दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया और लगभग लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। लेकिन गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। नुकसान बहुत मोटा है। आग लगने का मेन कारण क्या है? अभी कंफर्म नहीं है। कितनी दुकानों में आग लगी है? पूरी मार्केट में। पूरी किस किस चीज की दुकान? पूरी मार्केट है, कॉस्मेटिक्स के कपड़े की मार्केट है। पूरी दुकान पूरी मार्केट में ही आग है। बल्लभगढ़ मेन बाजार मार्केट में बबलू और मतलब पूरी मार्केट है। कई जने यहाँ पे 10-12 बंदा आ रहा है, सबके आग लगी है। किस किस चीज की दुकान है? इसमें कॉस्मेटिक की दुकान है, कुछ कपड़ों की दुकान है। वहीं स्थिति को काबू करने के लिए पुलिस बल के साथ मौके पर बल्लभगढ़ एसीपी बलवीर भी पहुंचे। उन्होंने बताया कि आग पर 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ही काबू पाया जा सका। इस आग से 7 से 8 दुकानों को नुकसान हुआ है। अभी तक कितना नुकसान हुआ है इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। दुकानें करीब 8 से करीब 10 दुकानें हैं। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए बल्लभगढ़ से जयप्रकाश भाटी की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, Facebook पेज को लाइक करें या लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। दिल्ली दर्पण टीवी पर खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर